नमस्कार, मैं हूँ अल्फी और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। शाहरुख खान की साल 2023 में पठान और जवान के बाद तीसरी फिल्म डंकी रिलीज होने को तैयार है, जिसका हाल ही में डंकी ड्रॉप और पहला गाना लूट फूट गया है। वहीं फैंस इसे ब्लॉकबस्टर भी कहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जवान और पठान की तरह हाई बजट वाली फिल्म डंकी नहीं है, बल्कि वो शाहरुख खान की 6 साल में आई सबसे कम बजट वाली फिल्म है, जिसने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना दिया है। शाहरुख खान स्टारर डंकी, जिसमें तापसी पन्नू और विक्की कौशल अहम किरदार में नजर आ रहे हैं, इस फिल्म का बजट कथित तौर पर 85 करोड़ रुपए बताया गया है।